नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं लाया हूं आपके सामने द हिंदू का हिंदी अनुवाद। क्योंकि कल मैंने जो अनुवाद किया था उसको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली, यानी कि लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कंटिन्यू किया जाए, क्यों ना इसे जारी किया जाए। तो ये 5 जनवरी 2017 का अखबार है द हिंदू, जो दिल्ली संस्करण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जो कि 4 फरवरी से शुरू करके 8 मार्च तक चलेंगे और 11 तारीख को इनका मतगणना का रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस राज्य में कितनी कितनी सीटों पर चुनाव होना है। और उसके अलावा इसके अलावा जो उम्मीदवार होते हैं तो उनको ये भी अपना एक सर्टिफिकेट, अपना एक प्रमाण पत्र देना होता है कि जो बिजली पानी इत्यादि के बिल है वो उन्होंने पूरी तरह से चुकाए हुए हैं, उन पर उसका कोई भी भार भी शेष नहीं है। और साथ ही ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब तथा उत्तराखंड में जो सीमा रखी गई है अधिकतम खर्च की, वो 28 लाख है, और गोवा और मणिपुर में वो सीमा 20 लाख रखी गई है। अगली खबर है कि कावेरी जल विवाद के मामले में 7 फरवरी से रोज़ाना सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 फरवरी से कावेरी जल विवाद के मामले में रोज़ाना सुनवाई की जाएगी, लेकिन तब तक के लिए कर्नाटक को, तमिलनाडु को रोज़ाना 2000 क्यूसेक पानी देना पड़ेगा। तो आप जानिए दोस्तों कि क्यूसेक क्या होता है, और साथ आपको ये जानना चाहिए कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण क्या है। अगली खबर जो है दोस्तों वो इतिहास संबंधित है। उसमें लिखा हुआ है कि तब जब महार जो थे तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे एक लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों को जीतने में मदद की थी। तो दरअसल पे दोस्तों हुआ क्या था कि जो बाजीराव पेशवा था, जो कि एक ब्राह्मण था, तो बाजीराव पेशवा द्वितीय, तो जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई तो बाजीराव पेशवा ने जो महार कम्युनिटी यानी महार समुदाय के लोग थे उनको अपनी सेना में लेने से मना कर दिया। तो जिसकी वजह से जो महार समुदाय के लोग थे तो बाद में वो अंग्रेज़ों की तरफ चले गए, और अंग्रेज़ों और बाजीराव पेशवा के बीच जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें बाजीराव पेशवा की हार हो गई। तो दरअसल पे ये एक लड़ाई थी, यानी कि एक युद्ध होता है और उसके अंदर कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि वॉर ए बैटल होती है। तो ये जो थी एक बैटल थी, आंग्ल मराठा युद्ध बहुत बड़ा था, तो ये जो महार कम्युनिटी जाति के लोग थे तो वो उस खास एक बैटल में लड़े थे, और उस बैटल का नाम जो था तो यहाँ पर दिया हुआ है, वो उस बैटल यानी उस लड़ाई का नाम था भीमा कोरेगांव गाँव की लड़ाई। तो दोस्तों मराठों का इतिहास आप जरूर पढ़िएगा। दूसरे पेज में सिर्फ एक खबर है कि दिल्ली सरकार ने आज स्कूल को बंद रखने का जो किया है तो ऐलान किया है। तो क्यों किया है, तो दोस्तों गुरु गोविंद साहब की 350वीं ये जन्म की वर्षगांठ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस साल गुरु गोविंद सिंह या सिख धर्म पर कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। पेज 3 पे आपके लिए कोई भी खबर नहीं है, तो इसलिए पेज 4 पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदूषण की समस्या, तो नियम तो कड़े हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी जो परिपालन है, कार्यान्वयन है, वो काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है वो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उससे कुछ कारण क्या है, वीक स्टेट कैपेसिटी यानी कि राज्य की कमज़ोर स्थिति यानी कि राज्य की कमज़ोर क्षमता। तो है क्या दोस्तों कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं प्राप्त हैं, उससे ज़्यादा अधिकार तो वहाँ के उपराज्यपाल को प्राप्त हैं। तो कई सारे नियम कानून ऐसे नहीं बना सकती है, क्योंकि हो सकता है उपराज्यपाल उन पर अड़ंगा लगा दें। और साथ IIT कानपुर ने कहा है कि जो सड़क की धूल है वो दिल्ली के कुल प्रदूषण का 38% है। और इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा कारण बताया है तो वो बताया उन्होंने रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि क्या सब कुछ सरकार ही करेगी, आपका कोई मतलब उसमें काम नहीं है क्या। तो उस ये कहा गया है कि इसके लिए जनता को थोड़ा सा भी जागरूक होना चाहिए। जो तीसरी बात यहाँ पे कही गई है वो ये कही गई है कि जुडिशियल इंटरवेंशन, यानी उनका ये कहना था कि जो प्रदूषण कम करने का काम है वो तो दरअसल पर विधायिका और कार्यपालिका का है, तो इसमें न्यायपालिका NGT बना करके क्यों बार बार हस्तक्षेप करता रहता है। तो यानी कि दरअसल पे ये कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तो कुछ द हिंदू के किसी मतलब कि रिपोर्टर ने जाकर के लोगों से राय पूछी है, तो ये उनकी राय है। तो उनका कहना था कि NGT जो है तो ये एक तरीके से नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि ये कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं यानी कि सरकार कोशिश करती है प्रदूषण कम करने की, तो लोग पहुँच जाते हैं NGT के पास कि देखो ये सरकार ऐसा कर रही है, तो NGT फैसला सुनाए। तो भाई जब सरकार कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर वो नियम क्यों बनाए। चौथा कारण है कि पर्यावरण और अर्थशास्त्र के बीच जो एक विवाद है, विवाद मतलब कि उन दोनों के बीच जो एक संबंध नहीं बन पाता है, क्योंकि आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं साथ साथ आप समृद्धि और यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ और विकास भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा एक साथ संभव नहीं होता है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास जो भी ऊर्जा के साधन इत्यादि के साधन हैं तो वो सब फ्यूल्स मतलब कि जो फसल फूल यानी कि जो जैव ईंधन है उन पर आधारित है, तो उससे तो लगातार प्रदूषण बढ़ेगा ही। हमारे पास अभी
जो नवीनीकरणीय उपाय हैं ऊर्जा के वो बहुत कम हैं, तो इस वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है संघीय समस्याएं। तो संघीय समस्या दोस्तों ये है कि अगर दिल्ली सरकार कोई नियम बना भी देती है कि ये नहीं जलाना है ये नहीं जलाना है, तो यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली को घेरे हुए हैं, तो चूंकि जब यहाँ पर कोई भी पराली वगैरह जलाएगा तो उसका धुआं तो दिल्ली पहुँचेगा ही, और दिल्ली सरकार जो है तो इन राज्यों पर कोई भी अपना नियंत्रण नहीं लगा सकती है, ना ही अपने वहाँ पर अपना कोई कानून लागू कर सकती है। तो ये सारे कुछ कारण थे दोस्तों कि जिसकी वजह से ये कहा गया कि इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पेज में जो बाकी खबरें हैं तो वो ये हैं कि उपराज्यपाल के पास DTC की किराया कम करने की एक सिफारिश भेज दी गई है। तो ये दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि हो सकता है कि जो DTC किराए हैं तो बिना AC वाली बस के अधिकतम 5 रुपये और AC वाली बसों के अधिकतम 10 रुपये हो जाएं। तो देखिए क्या होता है, उपराज्यपाल उसमें क्या करते हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो BK बंसल केस में अभी इसके बारे में अभी कुछ बातें उछली है, खाली वो सब छोड़िए, आप ये जानिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। दोस्तों जो खबर है तो इसमें कहा गया है कि जो JNU का एक छात्र था नजीब अहमद, वो कई दिनों से गायब है। तो ये यहाँ पर इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि नजीब को ढूंढने के लिए जो कुछ लोग थे उन्होंने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट जो है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इसको ढूंढे। तो हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए ये पुलिस को आदेश दिया था कि नजीब को तुरंत पेश किया जाए। तो आप ये मत सोचिएगा दोस्तों कि इसका नाम चूंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो सिर्फ किसी बंदी को ही इसमें पेश करने के लिए कहा जा सकता है, कोई भी आदमी जो कि गायब है, जो कि लोगों के सामने नहीं है, उसे पेश करने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। अगली खबर छोटी सी है कि नाबालिग को गुटखा बेचते आदमी गिरफ्तार। तो उसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम है तो उसमें एक संशोधन हुआ था, तो उसका जो सेक्शन 77 है तो उसके तहत तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों पेज नंबर 7 पे, 6 नंबर पर विज्ञापन थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संभवतः जो संयुक्त अरब अमीरात की सेना है वो राजपथ पे इस बार परेड करेगी और NSG पहली बार पदार्पण करेगी परेड में। तो दोस्तों जो UAE है तो वो हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, साथ ही साथ आपको जानना चाहिए कि ये अरब इलाके का एक देश है और ये बहुत बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक भी है। तो दोस्तों नक्शे में UAE और उसके पड़ोसी देशों को अवश्य देखें। पेज नंबर 8 पे आते हैं, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है कि जो कोई भी आंध्र प्रदेश से पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करेगा आंध्र प्रदेश की सरकार उसको 100 करोड़ रुपए देगी। तो आंध्र प्रदेश वाले तैयार हो जाएं, अगर वो पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो उनको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरी बात चीज़ जो इधर सबरीमाला टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है, तो जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को निषेध कर दिया गया था जो कि बहुत पहले से ही था, तो उसमें अभी से फैसला आया था एक कि वो महिलाओं को प्रवेश वहाँ पर दिया जाए। तो बस आप जानिए कि सबरीमाला कहाँ पर है और किस ज़िले में है, केरल के। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना थी उसमें फिर से एक बाधा आ गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि नीति आयोग ने ये सुझाव दिया है कि इसमें मध्य प्रदेश की सरकार है वो 40% वहन करेगी लागत को और 60% जो वहन करेगी वो केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन दरअसल पे यहाँ पर जो जल संसाधन मंत्रालय है तो उसने कहा है कि नहीं, इसमें केंद्र की सरकार को 90% वहन करना चाहिए और राज्य सरकार को 10% वहन करना चाहिए। तो इस बात पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो हालांकि ये कहा गया है कि जो लिखा हुआ है कि नीति आयोग यानी कि जल संसाधन मंत्रालय के एक सचिव ने कहा है कि हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को अपना एक जो मामला है वो भेज दिया है और उन्होंने इसकी सराहना की है। अगली खबर है कि बर्ड फ्लू के भय की वजह से कई सारे पक्षियों को यानी कि मुर्गियों को मार के गाड़ दिया गया है। तो ये अहमदाबाद की खबर है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा है कि कई सारी चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है कि जैसे कि जो चिकन शॉप हैं और जहाँ पे मुर्गी पालन क्षेत्र हैं इत्यादि क्षेत्रों में। दोस्तों एडिटोरियल का मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके दे दूँगा क्योंकि इसमें बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आते हैं पेज नंबर 12 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि DGP की सेवा जारी रखने पर मतभेद हो गया है। तो यहाँ पर जानना और कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट यानी कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 क्या है। उसके अलावा एक बाईं तरफ खबर है कि लश्करे तैयबा का एक आतंकी कुपवाड़ा में गिरफ्तार हुआ है। तो सिर्फ इतना जानिए कि लश्करे तैयबा जो है वो हाफिज़ सईद का एक संगठन है जिसने कि मुंबई में हमले किए थे। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना स्टांस ऑन टेरर सेल्फ डिफीटिंग इंडिया। तो हमारे MJ अकबर साहब ने ये कहा है कि जो चाइना का कदम है
तो वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि चाइना ने आत्मपराजय की स्थिति को स्वीकार किया हुआ है। यानी कि एक तरह से कहने की बात है कि चाइना जो है वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, यानी कि दोगलापन दिखा रहा है। वो कहता है कि मैं आतंकवाद समाप्त करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं रहा है। तो इसके बारे में और कई सारी उन्होंने बातें कही हैं, तो वो जाने लायक बहुत ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरी न्यूज़ ये है कि जो जेएस खेहर हैं, तो उन्होंने देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। तो राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय एक जो बड़ा विवाद चल रहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जजों की नियुक्तियों को रोक के रखा हुआ है, क्योंकि जजों की नियुक्तियां करने का जो कानून है, मतलब अधिकार है, तो सिफारिशें करने का अधिकार वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन चूंकि उसको नियुक्त करने का जो आखिरी फैसला आता है वो सरकार के साथ आता है। यानी कि सरकार को नियुक्त नहीं आदमी करना पड़ेगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करेगा, लेकिन अगर वो कहती है कि हमारे पास अभी वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है, पैसा कम है, ये वो दुनिया भर का नाटकबाजी करती है, तो इस तरीके से वो चाहे तो उसको लेट कर सकती है। और टी एस ठाकुर अक्सर इस बात का रोना रोते रहे थे और कल भी वो भावुक हो गए थे। तो यहाँ पर ये हुआ था कि देखिए, जिसे एक एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया पत्र कहते हैं, तो जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक प्रक्रिया पत्र बनाएगा, क्योंकि उन्होंने एनजीएसी को क्या किया था, संवैधानिक करार दे दिया था। तो ये कहा था कि चूंकि हम खुद ही कॉलेजिंग व्यवस्था में कुछ सुधार करेंगे, तो देखिए कि वो आगे चल के उसमें क्या सुधार करते हैं। अगली खबर है कि जीएसटी नो अकॉर्ड ऑन डुअल कंट्रोल, यानी कि दोहरे नियंत्रण पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो दोस्तों की जो दोहरे नियंत्रण की बात है, जो मैं कल भी आपको बताया था कि उस पर अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, और जो जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई थी वो फिर से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँची है। तो 16 जनवरी को फिर से एक बैठक बुलाई गई है, देखते हैं 16 जनवरी को। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा गया है कि जो टेरिटरी यानी कि भूक्षेत्र का मुद्दा है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों की जो सीमा होती है वो भूक्षेत्र समाप्त होने के बाद भी 12 समुद्री मील तक समुद्र में भी होती है। तो उसमें ये कहना है कि अभी तक उसमें जो राज्य सरकार माल की लदाई और ढुलाई पे कर वसूल रही थी, तो अब आगे चल के उसको कौन वसूलेगा। तो आगे चल के देखते हैं इसमें वो क्या फैसला। पेज नंबर 13 पे ये खबर दी गई है कि फिक्की ने चुनावी फंडिंग में पुनर्समीक्षा की मांग की है। तो आप सिर्फ ये जानिए कि फिक्की क्या है और बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि रशिया के हैकिंग वाले मामले में ट्रंप ने जूलियन असांजे का पक्ष लिया है। तो दोस्तों जूलियन असांजे ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ हैकिंग वगैरह हुई है तो उसमें रशिया का कोई सीधा हाथ नहीं है। तो देखते हैं कि अब आगे चल के क्या होता है, क्योंकि ओबामा जी सीधा कह रहे आरोप लगा रहे हैं कि रूस ने ये किया है, लेकिन अब ट्रंप तो एक तरह से जूलियन असांजे की तरफ चले गए, यानी कि मान रहे हैं कि रूस ने शायद ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और खबर है जिसे मैंने हाईलाइट तो नहीं किया क्योंकि भूल गया था। तो ये लिखा हुआ है, इंडियन अमेरिकन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस विल प्ले अ क्रूशल रोल, यानी कि जो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे वहाँ की यूएस कांग्रेस में। तो जो कि दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो लिखा हुआ है इन्फ्लुएंशियल वॉइस यानी कि प्रभावशाली आवाज़। तो अब जो है भारतीय मूल के लोगों की वहाँ पर आवाज़ प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि अब वहाँ की कांग्रेस में 5 लोग आ चुके हैं जो कि एक रिकॉर्ड है, अभी तक नहीं आए थे कभी भी। उसके अलावा यहाँ पर एक इमिग्रेशन डिबेट यानी कि जो आवर्जन की एक जो समस्या, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं बाहर के किसी भी आदमी को उधर नहीं आने दूंगा, मतलब कि बाहर के जो लोग यहाँ पे आकर के अमरीकियों की नौकरी हड़प लेते हैं, मैं उनको नहीं आने दूंगा आसानी से। तो उस पर भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख होगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे वो दबाव बनाएं कि वो अपनी नीतियों को जरा सा बदलें, देखते हैं क्या होता। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेट मीडिया कॉशंस चाइना ओवर इंडियाज लेबर कॉस्टेज, यानी कि चीन की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है तो उसने आगाह किया है चीन को भारत में मजदूरी लागत को लेकर। तो ये पूरा आर्टिकल मतलब इस बात पे आधारित है कि चीन को ये लगता है कि भारत में आगे चल के जो मजदूरी दर है तो काफ़ी कम होने की वजह से हो सकता है कि जो उनका मेन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो चीन से शिफ्ट होकर के भारत पहुँच जाए। तो चूँकि हालांकि ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है कि चीन में एक बच्चा नीति थी, तो जिसकी वजह से 1980 से लेकर के अभी तक वहाँ पर क्या हुआ है कि जो युवा थे तो उतनी ज़्यादा संख्या में पैदा नहीं हुए, तो जिसकी वजह से अब वहाँ पर युवाओं की कमी हो गई है और धीरे धीरे चीन जो है तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच रहा है। लोएस्ट पॉइंट क्या होता है मैं आपको आगे चल के कभी बता दूंगा। अगला है कि जो एक इजरायली सिपाही था तो उसे मानवता का दोषी पाया गया है। तो चूंकि उसने एक फिलिस्तीनी आतंकवादी को मार दिया था जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, तो कानून ये कहता है कि अगर कोई घायल अवस्था में पड़ा हुआ है बिना किसी हथियार के तो आप उसे मार नहीं सकते हैं। तो चूँकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का जो मामला है तो वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, और वही महत्वपूर्ण भी है, ये सारी चीज़ें तो कोई महत्वपूर्ण नहीं होती हैं।
उसके अलावा दोस्तों अगली खबर ये है कि म्यांमार के एक पैनल ने रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है गलत काम उसको कोई भी तवज्जो नहीं दी है, यानी कि जो प्ले डाउन का मतलब होता है कि कोई भी तवज्जो ना देना। तो यानी कि जो म्यांमार के रखीन प्रांत में जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर जो रोहिंग्या रहते हैं, तो रोहिंग्या बांग्लादेश से म्यांमार गए हुए शरणार्थी हैं, यानी कि 100-200 साल पहले वो अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी गए थे, लेकिन अभी जो है तो म्यांमार की सरकार ने काफ़ी पहले से ये घोषित किया हुआ है कि जो रोहिंग्या हैं तो उनके यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो उन्होंने उनको नागरिकता भी नहीं दी है और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में वहाँ पर जन्म ले चुका है, क्योंकि बहुत भारी तादाद में रोहिंग्या जो हैं तो उस अत्याचार से पीड़ित होकर के भाग के दूसरे देशों में पहुँच रहे हैं। एक छोटी सी खबर है, श्रीलंका पैनल कॉल्स फॉर इंक्लूजन ऑफ फॉरेन जजेस, यानी कि श्रीलंका के पैनल ने कहा है कि जो विदेशी जज हैं उनको भी उनके यहाँ जो वॉर क्राइम यानी कि जो युद्ध अपराध केसेस हैं तो वहाँ पर रखा जाए। तो वो सब छोड़िए, मेन यहाँ पर यह है कि जो UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में आपको जानना है। आगे आते हैं बिजनेस वाले पेज पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई इश्यूज पेपर ऑन नेट न्यूट्रलिटी, यानी कि ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी पर एक पत्र भी प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको इसका पूरे आर्टिकल का सार बता देता हूँ। तो हुआ ये था कि आपको पता होगा कि पहले नेट न्यूट्रलिटी पे ट्राई ने अभी चल करके internet.org इत्यादि पर बैन लगा दिया था, उसने कहा था कि ये जो सब हैं तो ये सही चीज़ें नहीं हैं। क्यों नहीं हैं तो उसके बारे में ये था कि ट्राई का ये कहना है कि हम पहले इस बात का पहले खुद से आकलन करवाएंगे कि लोग उसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। तो दरअसल पे तो दोस्तों यहाँ पे ट्राई ने कहा है कि चूंकि मामले की जटिलता को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हम दो चरणों में एक विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो आपको पता होगा कि मई 2016 में जो ट्राई ने कहा था कि आप हमें अपने ईमेल में लिखकर भेजिए कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं जो नेट न्यूट्रलिटी की बात है, तो उसने कहा था कि उस वक्त हमें जो कुछ भी मिले थे जवाब तो उनके आधार पर हमने काफ़ी चीज़ जो मुद्दे उठाए गए थे तो उन पर हमने काफ़ी विचार विमर्श किया है और हम सोच रहे हैं कि अब उनके आधार पर नीतियाँ बनाई जाएँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों बता दूँ कि जो लास्ट डेट पब्लिक कमेंट्स के लिए जो इस बार फिर से जारी की गई है तो वो है 15 फरवरी, यानी कि 15 फरवरी तक जो भी लोग हैं तो वो अपनी बात वहाँ पर डाल सकते हैं, और जो काउंटर कमेंट होंगे वो 28 फरवरी तक होंगे, यानी कि जो फिर उनका जवाब दिया जाएगा उनकी टिप्पणियों का तो वो 28 फरवरी तक जवाब दिया जाएगा। नीचे जो अंडरलाइन हो गया है वो यूज़लेस है, गलती से हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि एट द 50,000 करोड़ गेन फॉर गवर्नमेंट फ्रॉम RBI। तो दरअसल पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये इसने ये किसी आदमी मतलब कि ब्रोकरेज रिपोर्ट है ये, यानी किसी दलाल ने इसको तैयार किया है। तो उसका ये कहना है कि जो नोटबंदी की थी सरकार ने तो उससे उसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 करोड़ का ही फ़ायदा हो पाएगा, उससे ज़्यादा का फ़ायदा उसको नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार ने यानी कि RBI ने अभी तक कुछ भी उस पर जवाब नहीं दिया है। तो देखते हैं कि RBI आगे चल के क्या बताता है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HDFC बैंक कैनरा कट द की लेंडिंग रेट्स, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो ब्याज दरें हैं या ऋण की ब्याज दरें हैं तो उनको इन्होंने फिर से कम किया है, फिर से आज MCLR का नाम आया है जिसके बारे में कल भी चर्चा हुई थी। तो अब ये लगातार जारी रहेगा, यानी कि ब्याज दरें जो हैं वो गिरती रहेंगी क्योंकि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट फर्म्स रिकॉर्ड 1.9 सेल्स ग्रोथ इन Q2, यानी कि दूसरों दूसरी तिमाही में, जो दूसरी तिमाही होती है जुलाई से सितंबर की तिमाही, तो उसमें प्राइवेट कंपनियों की जो बिक्री है तो उसमें बहुत ज़्यादा समृद्धि यानी कि 1.9 की समृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जुलाई से सितंबर की रिपोर्ट है, और ये जुलाई सितंबर की रिपोर्ट है तो वो अभी जा करके आई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर श्रिंक्स अ सेकंड स्ट्रेट मंथ, यानी कि दूसरे महीने भी लगातार जो सेवा क्षेत्र है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नोटबंदी की गई थी यानी जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो उसकी वजह से है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो ये निक्की इंडिया सर्विसेज जो का PMI है उसका है, तो ये निक्की इंडिया ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी है। तो सरकार इसमें क्या कहती है, जो NSS वगैरह इत्यादि सर्वे करते हैं तो वो इसमें क्या कहते हैं, तो वो तो बात की बात होगी। और दोस्तों पेज नंबर 16 पर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारे मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने गूगल को कहा है कि भैया भारत के लिए भी आप कुछ तो बनाओ। तो ये है कि गूगल चूँकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाता है तो उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि भारतीय मनोदशा पर आधारित हों, भारतीय भाषाओं पर और भारतीय इच्छाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने वाले हों तो कृपया आप ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाएँ। तो यहाँ पर कुछ और जानकारी दी हुई है, यानी कि जो अभी एक भीम ऐप आई थी दोस्तों उसके 50 लाख डाउनलोड्स हो गए हैं, तो शायद आपने भी डाउनलोड किया हो, तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि जेपी मॉर्गन चेस बैंक टू मैनेज GDR एंड ऑफ M&M, तो यानी कि M&M का जो GDR है, तो अब से जेपी मॉर्गन चेस बैंक जो है तो वो प्रबंधित करेगा। तो बाकी से छोड़िए, जाने लायक सिर्फ एक बात है कि GDR क्या है, तो इसे कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो इसके बारे में मैं किसी और दिन आपसे बात करूँगा, तो हो सकता है कि आज ही एक छोटा सा वीडियो बनाकर इसके बारे में आपको मैं भेज दूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या है दोस्तों कि आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे सुबह से लाइट नहीं है, तो हो सकता है कि वीडियो को आने में कुछ देर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है तो ये 3:17 पे दोपहर में ख़त्म हो गया, फिर भी यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई है। तो वो सब छोड़िए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने मुझे उत्साहवर्धन दिया है तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग जो भी YouTube में नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए कल में हम फिर से मिलेंगे, धन्यवाद। और अगर इसके बीच में कोई और वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको अपने चैनल पर डाल दूँगा, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है ना चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, जो नए लोग हैं वो जान लें कि जो वीडियो वो देख रहे हैं वहाँ नीचे एक पट्टी बनी है, उसमें लिखा है प्रसन्न मिश्रा और जो मेरा नाम है, और उसके बगल में लाल बटन बनी हुई है सब्सक्राइब की, तो बस उसको एक बार दबाएँ, 1 सेकंड लगेगा, और उसके बाद आपको मेरे सारे वीडियोज़ आगे चल के मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।